हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी 6 के बारे में, जिसमें कि दोस्तों अगर इंसर्ट सिम का इशू आता है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये और दूसरा ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, और उसी तरीके से सिम 2 में भी यहाँ ये दोनों जो कि है नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव वाला लाइनिंग देखना होगा, और उसके बाद जो VDD सिम 1 और VDD सिम 2 है इसका ट्रैक को पहले चेक करना होगा। यहाँ से जो कि दोस्तों होते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक कैपेसिटर पे आते हैं, और यहाँ से आने के बाद जो कि दोस्तों आगे की ओर निकल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ से सिम 1 का भी VDD जो कि दोस्तों कि जिस तरीके से यहाँ तक आते हैं, और यहाँ पर एक कैपेसिटर से होते हुए आगे की ओर जो कि दोस्तों यहाँ से ये निकल जाते हैं। आपको क्या करना दोस्तों, इन दोनों लाइनिंग को सबसे पहले चेक करना होगा, क्योंकि इसमें रहते हैं वोल्टेज, और वोल्टेज जिसमें रहते हैं तो उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो वहाँ से आने के बाद जो कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पावर आईसी पर आ जाती है, एक कैपेसिटर से होते हुए यहाँ भी सिम 1 और सिम 2 का जो VDD है दोनों एक कैपेसिटर होकर के इसमें आपका पावर आईसी के अंदर चले जाते हैं। तो ये तो हो गई आपके VDD में अगर प्रॉब्लम आ जाते हैं तो, और उसके बाद अगर वहाँ से बन जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है दोस्तों तो आपका जो डाटा वाला लाइन है आप देख सकते हैं सिम 2 का डाटा, यहाँ से जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। अगर आपका डाटा सपोर्ट नहीं करता तो आप आगे से भी जम्पर लगा के एक बार देख लीजिए रेजिस्टेंस का, और उसके बाद भी नहीं हो रहा तो आपका जो कि दोस्तों डायरेक्टली ये CPU से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो कि दोस्तों RST यानी रीसेट पॉइंट जो कि है वे भी यहाँ पर जो कि दोस्तों एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और वहाँ से होते हुए ये सीधा आपका जो कि CPU के अंदर चले जा रहे हैं। उसी तरीके से CLK का भी लाइनिंग जो कि है दोस्तों अंदर से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं CLK का पॉइंट, और फिर एक रेजिस्टेंस से होते हुए सीधा आपका CPU में चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से जो कि दोस्तों सारे लाइनिंग आपका जो कि CPU तक चले आ रहे हैं, तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ से जो कि दोस्तों आपका VDD का जो लाइनिंग है वे सिम 1 का रीसेट वाला पॉइंट है दोस्तों, तो यहाँ से होते हुए जो कि दोस्तों एक रेजिस्टेंस से होते हुए सीधा आपके CPU के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जो कि दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका लाइनिंग जो कि वर्क करते हैं। CLK भी आप देख सकते हैं सिम 1 का कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस होते हुए इसके अंदर चले जाते हैं। आपका जिस भी सिम में प्रॉब्लम आते हैं, या तो फिर अगर दोनों सिम कार्ड इंसर्ट आ रहे हैं तो आपको सारे ट्रैक को अच्छे से देखना है। आप देख सकते हैं सिम कार्ड डेटा वाला पॉइंट जो कि है कुछ इस तरीके से होते हुए एक रेजिस्टेंस होते हुए सीधा आपका CPU के अंदर चले जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी टाइप के वीडियो और भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।